से गंभीर टिप्पणी करना उचित नहीं है। निशिकांत जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ। मैं अपने दल के नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं। एक मिनट, माननीय सदस्य, आप सीनियर व्यवस्था हो, शब्द बोलते समय ढंग से बोला करो, ये तरीका ठीक नहीं है। आप क्या शब्द बोलते हो, क्या नहीं बोलते, अच्छा लगता है क्या? पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ा किया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। स्पीकर सर, गौरव गोगोई जब बोल रहे थे इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ, सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो, आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने परसेंट लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मिजोरम में आपने 7% वोट के आधार पर, केवल 7% पूरे देश को जानने के लिए लाल थनहावला की सरकार बना दी थी। और इसीलिए जब लाल डेंगा के साथ सरकार बनाई आपने, जब उनके साथ समझौता किया तो 7% के साथ आप उसको डेमोक्रेसी चलाने देते? इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना, राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं? थे ना। इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे, कहां गए थे, किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है, और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे, बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते, कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये जो सवाल है सर, ये INDIA की बात करते हैं, मुझे तो
मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डाटा सर, दानिश अली को जिसको आपने डाटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया इंडिया का यहां नारा लगा सर। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। तो मैं तह पर गया सर कि अविश्वास प्रस्ताव पर कौन कौन पार्टी हमारे खिलाफ है। सबसे बड़ी पार्टी DMK है, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, करुणानिधि जी का बड़ा योगदान रहा है इस देश को बनाने में। अब आप समझें सर कि 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया, और 80 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही DMK उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर डीला। राहुल, राजीव गांधी का मर्डर हुआ, दो कमीशन बना, वर्मा कमीशन बना और जैन कमीशन बना, और जैन कमीशन ने कहा कि लिट्टे को सहयोग करुणानिधि जी की पार्टी DMK देती थी। क्या जैन कमीशन गलत था, क्योंकि उस कमीशन को आपने, उसके बाद भी आपके साथ है। मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। आप यह बताएं कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप ED CBI इनकम टैक्स की बात करते हो, इसी सदन के बड़े इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, मैं सम्मान करता हूं, मेरे दोस्त हैं, राजा साहब, कनी जी बैठी हुई हैं, दयानिधि मारन जिनका विभाग बदल गया, हमने आपके ऊपर 2G का केस लगाया, हमने बंद किया उस गरीब महिला को सर, बेचारी महिला को इन लोगों ने जेल में डाला। आप हमारे खिलाफ हो, हमने क्या किया, हमने आपका विभाग नहीं बदला। आप अपोजिशन का लेके आए हो, आप अपने पोजिशन पार्टी की बात कर रहे हो, दूसरी पार्टी है TMC, दूसरी बड़ी पार्टी है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सर कि प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि वो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात करते हैं, एक शॉर्ट लाइन में बात करते हैं, दूसरी पार्टी है सर TMC। माननीय राजनाथ जी संजोग से बैठे हुए हैं, सिंगूर का बड़ा आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, हमने साथ दिया TMC का। माननीय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष होते हुए ममता बनर्जी के रैली में शामिल हुए, हमने आंदोलन को साथ दिया। यदि आज आप बंगाल में सरकार बनाए उसमें हमारा भी कोई योगदान है, लेकिन आपको करप्ट किसने बनाया? नारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, शारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, इस कांग्रेस ने किया। आपका विरोध उस कांग्रेस से होना चाहिए कि हमसे होना चाहिए। तीसरी पार्टी है लालू प्रसाद जी की RJD, ललन सिंह जी यहां बैठे हुए, हमने उनको जेल नहीं भेजा सर। मैं केवल यह कह रहा हूं किस तरह की ये अपोजिशन की यूनिटी है। एक जो गाना है ना सर, ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, गीत लिख दी दीवारों पर गाने की सुर नहीं, गाने की रीत नहीं, मतलब आप ये समझे सर कि ये आंख का अंधा नाम नैन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया।
लालू प्रसाद जी हैं सर, लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए, यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोले तो। आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने, जिसने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया है, वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया। हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। ये ललन जी पिटिशनर थे, यही तो मैं कह रहा हूं सर। तीसरी पार्टी है सर मुलायम सिंह यादव जी, चौथी पार्टी है मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी सर। अच्छा, मुलायम सिंह जी जो यहां थे तो हम लोगों के लिए बड़े सम्मानित थे, और जब भी है देश प्रेम की जो भावना थी उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है सर। लेकिन मुलायम सिंह जी यादव की इमेज को किसने चौपट किया? ये मेरे पास यदि बोलेंगे सर, सारे पेपर में लेके आया हूं कि विश्वनाथ चतुर्वेदी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है, PIL करते, और CBI का केस जो है 2007 में डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर हो जाता है। 2008 में इसी सदन में मुलायम सिंह यादव जी ने आपको CBI के डर से न्यूक्लियर में सपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के तहत किया, ये आप बता दीजिए जनता को। और उसके बाद आपने इनकम टैक्स का केस कर दिया, और हमने क्या किया मुलायम सिंह यादव जी के साथ? हमको पता था कि वो ईमानदार आदमी है, हमको पता है कि देश के प्रति उनकी भावना जो है, और ये पिछड़े दलित शोषित वर्ग से आते हैं, इसीलिए कांग्रेस ने उसको ये किया। हम लोगों ने CBI के सारे केस को खत्म किया, और आज मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर केस ने, फिर भी मुलायम सिंह यादव जी हमारे विरोध में, और उसके बाद पद्म भूषण भी दिया हमने। उस दिन सुप्रिया जी बहुत बोल रही थी, NCP है, नेचुरली करप्ट पार्टी कहा है सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, BJP कहती है, हम लोग कहते रहते। मैं गया उनके तह पर गया कि 80 में, आज 80 में मैं केवल अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा हूं सर, 80 में शरद पवार साहब की चुनी हुई सरकार को किसने बर्खास्त किया? हमने नहीं किया, इस कांग्रेस पार्टी ने किया। किस आधार पर शरद पवार साहब ने एक अलग NCP बनाई थी? हमने नहीं कहा शरद पवार साहब को बनाने के लिए। किस आधार पर जब हम पहली बार यहां जीत कर आए तो रोज जो है इसी तरह की महंगाई की बात होती थी, एक एक्सचेंज की बात, कमोडिटी एक्सचेंज की बात होती थी, रोज पवार साहब के ऊपर आरोप लगते थे, हमने नहीं लगाया। और फाइनली पवार साहब जैसे सीनियर आदमी को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैं कागज देख रहा था सर, 2012 और 13 में, जिसके लिए कहा कि 70,000 करोड़, जिसके लिए कि काफी, पहले तो अब धीरे से बोलती थी, हंस के बोलती थी तो अच्छा बोलती थी, अभी थोड़ा जोर जोर से बोलती है। अब आप समझिए कि व्हाइट पेपर इसी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने किया, छगन भुजबल जी के ऊपर महाराष्ट्र सदन का केस इसी पृथ्वीराज चौहान ने किया, उन्हीं के SEB ने किया, 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम का भी केस इसी कांग्रेस ने किया। हमने क्या किया आपके साथ? हमसे क्यों, किस बात की लड़ाई है? हमने आपके साथ क्या किया? आपको तो इस कांग्रेस को देखना चाहिए था। इसके बाद एक पार्टी है सर, फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े सीनियर हैं यहां, 1953 में, याद करिएगा सर, 1953 में शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में इसी कांग्रेस पार्टी ने बंद किया। 1975 तक 22 साल वो आदमी जेल में रहा इस कांग्रेस पार्टी के कारण, और उसके बाद समझौता किया, शेख इंदिरा समझौता 1975 में। इनका विरोध उसके साथ होना चाहिए कि हमारे साथ होना चाहिए? यहां ओवैसी साहब बैठे हैं, उस दिन पूछ रहे थे कि मैं इधर रहूं कि उधर रहूं। आप तो मुसलमानों की बात करते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लाया, उसने कहा कि पूरे देश में मुसलमानों की हालत खराब है। आपको विरोध इस कांग्रेस से होना चाहिए, हमारे साथ प्यार होना चाहिए कि आप उसके साथ अविश्वास प्रस्ताव पे खड़े हो? और बचे JDU सर, JDU, और मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 2005 में जब JDU की सरकार नहीं बनी और रामविलास पासवान जी की आवश्यकता पड़ गई, तो मीटिंग दो जगह पर हुई सर, एक पत्रकार के घर पर हुई जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता, और दूसरी मीटिंग रामविलास पासवान जी, नीतीश जी की, मेरे घर पर हुई सर। और उस वक्त का मैं एक चीज और खुलासा कर देना चाहता हूं कि JDU को
जेडीयू को यदि सबसे ज्यादा किसी ने फंड करवाया होगा तो यदि दो चार पांच आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी। आप मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरा है, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा अपने मुख्यमंत्री से। लेकिन लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया सर, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई है, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिक पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी, जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? जब ऑलरेडी सदन में लोकसभा के माननीय सांसद मौजूद है और वो ऐतराज नहीं करेंगे तो दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? अब आप समझे सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। आप ये समझे सर, ये केस है सर, इनकम टैक्स का केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में। मैं जो भी पेपर कहेगी कांग्रेस, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इसको रखने को तैयार हूं। और यदि इसमें एक भी बात गलत होगी तो मुझे आप सदस्यता से उसी दिन निकाल दीजिएगा सर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए सर, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि ये फाउंडेशन के जितने इनके केस है, नेशनल हेराल्ड के जितने केस है उसकी असेसमेंट करें। हाईकोर्ट का आदेश सर, हाईकोर्ट का आदेश आ गया, हाईकोर्ट का आदेश आ गया कि इसको जो है सेंट्रलाइज करना, ये हाईकोर्ट का आदेश है सर। अभी अभी ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आप समझिए कि इनकम टैक्स से बचने के लिए एक लाख रुपया देके कोई 5,000 करोड़ की कंपनी ले सकता है, ये मैडम सोनिया जी और राहुल जी बता सकते हैं सर, कोई दूसरा नहीं बता सकता। और ये कह रहे हैं कि केवल हमारे ऊपर ये चीजें होती है। यहाँ जीएम सिद्धेश्वर बैठे हुए सर, हमारे पार्टी के सांसद हैं, जीएम सिद्धेश्वर अब भी 80 करोड़ रुपया उन्होंने इनकम टैक्स में भरा है सर। यदि मोदी जी आपको चोर कहने की बात करते हैं तो अपने पार्टी के भी लोग जो दोषी हैं उनको भी 80 करोड़ रुपया दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सर, जीएम सिद्धेश्वर को 80 करोड़ देना पड़ा, बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं। और आप इनकम टैक्स के लिए बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हो, ईडी की रेड होती है सर। और मैं आपको बताऊं कि एक भाग गया है, भंडारी है, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि भंडारी कोई भी हो सकता है सर, किसी भी दिन वो यूके से लौट कर आ जाएगा। मैंने इसी हाउस में कहा था कि किसी आदमी का जो है, दामाद जी का जो है मकान है लंदन में, ये कोर्ट का ऑर्डर है सर। एक आदमी जो भागा उसका नाम है सीसी थम्पी, कोर्ट के आदेश के बाद उसका बेल हुआ, इस कोर्ट का ऑर्डर है सर। उस कोर्ट के ऑर्डर में सीसी थम्पी ने यह एक्सेप्ट किया कि उसने जो दामाद जी हैं, दामाद जी के नाम पर, कौन दामाद, कोई भी दामाद हो सकता है, इनको दामाद जी से क्या प्रॉब्लम है सर, मेरा भी दामाद हो सकता है। 12 ब्रायंसन स्क्वायर थम्पी ने, जिसको थम्पी ने कोर्ट ने आदेश दिया कि जब जरूरत होगी तुम आ जाना। आप समझिए कि वो भाग गया, उसने कहा कि 12 ब्रायंसन स्क्वायर जो है हमारा है। उसी तरह से संजय भंडारी का जो आने वाला है सर, यूके कोर्ट ने जो आदेश किया है उसमें यह बात कहा है कि दामाद जी का वो मकान है। आप क्यों भाग रहे हो? तो जो मैंने आपको कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। कल जो है सर, कल मेरी बात पर जो है बड़ा हंगामा हुआ,
न्यूज क्लिक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक बताऊं, यदि न्यूज क्लिक का नाम यदि डिलीट ये रेस्टोर हो गया, कांग्रेस को क्या समस्या सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? पुरकास्ट का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकास्ट आपका क्या लगता है? रोहिणी सिंह, अभिसार शर्मा या कोई भी मान लीजिए ठाकुर रंजन प्रागता, यदि उसका डिलीट हो गया नाम या एक्सपंज से फिर बाहर आ गया, आपको क्या परेशानी है? आपका कोई मतलब नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड एक और रिविलेशन करना चाहता हूं सर, कि सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश कारत साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंगम था उसके साथ उनके हजारों मेल हैं। और जब आप कहेंगे मैं ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कर दूंगा सर कि सीपीएम किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है। हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले हैं। यदि हमने सीपीएम के साथ लड़ाई की आइडियोलॉजिकल, तो आज तक हमने सीपीएम के साथ समझौता नहीं किया, आज तक हमने समझौता नहीं किया। यदि हमने कहा कि कोई मुस्लिम लीग जिसने कि भारत विभाजन किया, आज तक वोट बैंक की राजनीति के बाद हमने मुस्लिम लीग के साथ नहीं लिया। लेकिन आपको जिस कांग्रेस पार्टी ने रोज रोज जलील किया, रोज रोज जलील किया, उसके साथ आप किस आधार पर जो है शासन में हो? मैं आपको अध्यक्ष जी समस्या क्या है कि हमने जो है एक क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है गरीब के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। एक विकास की पट्टी देखकर आपने अभी पूरे पार्लियामेंट को देखा कि किस तरह से परेशान हुआ। कारण क्या है सर? मैं जिस इलाके से आता हूं, मैं आपको बताता हूं कि रीजन क्या और इतना बड़ा बखेड़ा क्यों। मैं जिस इलाके से आता हूं वहां संथाल परगना इलाका है सर। यदि रात हो जाए तो यदि कोई बीमार हो जाए तो उसको गंगा नदी टपने के लिए कोई पुल नहीं था सर। आजादी के 75 साल बाद आज वो पुल बन रहा है साहबगंज का सर। झारखंड इस देश में सबसे ज्यादा माइंस और मिनरल्स देता है सर। 40% से ज्यादा माइंस और मिनरल्स इस देश का झारखंड में, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा विस्थापन, सबसे ज्यादा पलायन उस झारखंड में। आज आप समझिए उसका कारण यह था कि हमारे पास कोई पोर्ट नहीं था सर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मल्टी मॉडल हब पोर्ट जो है साहबगंज में गंगा नदी में बना है। मैं जहां से सांसद हूं सर, 75 साल में वहां के लोगों ने रेल नहीं देखा। आज जो है मैं गोड्डा की बात कर रहा हूं, गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं, गोड्डा जो मेरा नाम है, मैं आपको बताऊं सर, 75 साल में गोड्डा के लोगों ने रेल नहीं देखा। आजादी के 75 साल बाद आज वहां रेल है, उस रेल को देखने के लिए 5 लाख की भीड़ आई थी। आज ये सिचुएशन है सर। मैं ये लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं सर, पोजीशन की बात करते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया। मैं एक ऐसा बदनसीब आदमी हूं सर कि जिसकी अपनी छोटी बहन इलाज के बिना मर गई। 93 में मेरे यहां कोई डॉक्टर नहीं था जो पेट दर्द का भी इलाज कर पाए। 93 में मैंने अपनी छोटी बहन को खोया है सर। आज उसके भाई होने के नाते मुझे गर्व है कि मेरे लोकसभा में एम्स जैसा इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री। देवघर है सर, 12 ज्योतिर्लिंग का देवघर है, वहां लोग पूजा नहीं कर पाते थे। आज बेंगलोर से, आज बंबई से, आज अमेरिका से, लंदन से सभी लोग वहां एयरपोर्ट पर चढ़कर आते हैं। ये विकास है। आज मेरे लोकसभा में 2 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 16 ITI, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, 1 डेयरी कॉलेज, 4 केंद्रीय विद्यालय, ये सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है सर। इनका विरोध यह है कि गरीब के घर में जो चूल्हा जल रहा है, जो घर घर में पानी जा रहा है, जो नल जल की पहल चल रही है, जो गंगा से पानी देवघर आने की बात चल रही है, उसका यह विरोध है सर। इनका विरोध यह है कि बाइडेन ऑटोग्राफ क्यों लेता है,
इनका विरोध यह है कि पापुआ न्यू गिनी का जो है प्रधानमंत्री उनका पांव क्यों छूता है। इनका विरोध यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है वो उनको बॉस क्यों कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे पिछड़े इलाके हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, जितना काम किया है उसके कारण इनको लगता है कि 2024 में नहीं आने वाले। मैं अध्यक्ष जी अपनी बात महाभारत से खत्म करना चाहता हूं। महाभारत का एक बड़ा कहानी है सर कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और पूरे चाहे कौरव पक्ष के लोग हों चाहे पांडव पक्ष के लोग हों वो सभी जो है चीर हरण को देख रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लोग नहीं समझेंगे सर, ये लोग इसीलिए नहीं समझेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जब परिवारवाद की बात करते हैं ना तो इनको लगता है कि परिवार की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी परिवार की बात नहीं करते हैं। वकील का बेटा वकील हो जाए, क्या दिक्कत है? आईएएस का बेटा आईएएस होता है सर, यहां डीजीपी डीजी हैं आरपीएफ के, वो आईपीएस भी हैं, उनके दोनों बेटे आईएएस बने सर, जो अपनी योग्यता क्षमता के साथ आते हैं परिवार को वो क्या कहते हैं। आज मेरे यहां का नेतृत्व क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से हैं, माननीय नड्डा जी ये हैं जिनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स भी नहीं था, माननीय राजनाथ जी बैठे हुए हैं एक कॉलेज में जो है पढ़ाते थे सर, और आज समझिए कि इनको भगवान ने जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है सर, जिनके आगे पीछे जो है कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है, हमारे जैसे लोग हैं। क्या है कि यहां जितना परिवार है ना वो इनके पीछे है जो कि परिवार का आदमी नहीं है, और वहां समस्या ये है कि वो सभी परिवारवाद जो है वो उनका जो नेता है इसीलिए उनका परिवार और परिवारवाद में फर्क है, उनको नहीं समझ में आएगा सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूं सर कि आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ, आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने की लोगों को मकान बना के दिया, आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने की लोगों को पीने का पानी दिया, आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया, आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण होगा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास से कि चाहे राम मंदिर बना दिया हो, 370 जो हमारी थी धारा उसारे तो हमने बना ही दिया। मैं केवल इतना कहता हूं सर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई भी बचिएगा 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा, हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।